क्या आपने कभी सोचा है कि इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड के अंदर क्या होगा? और क्या आपको पता है कि शार्क से ज्यादा कोकोनट्स ह्यूमंस को किल करते हैं? और एक ऐसी ग्रेप की स्पीशीज जिसमें एक ग्रेप के टुकड़े की कॉस्ट 2000 रुपए के बराबर है, और ये इमेज 80,000 डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसी अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 25, आपको ये तो पता ही होगा कि लावा बहुत गर्म चीज होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि लिक्विड टंगस्टन इतना गर्म होता है कि अगर लिक्विड टंगस्टन लावा के कांटेक्ट में आएगा तो लिक्विड टंगस्टन फ्रीज कर जाएगा। मतलब जैसे आप वाटर को अगर ठंडा करते हो तो वो फ्रीज कर जाएगा, लेकिन लिक्विड टंगस्टन इतना गर्म होता है कि उसके लिए लावा ही एक ठंडी चीज है, और लावा का टेम्परेचर ही टंगस्टन को फ्रीज करने के लिए काफी है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 24, एक रोबोट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने वर्ल्ड मोस्ट एडवांस मेडिकल रोबोट बनाया है जिसका नाम HAL है, और ये रोबोट असली में ब्लीड भी करता है और रोता भी है। मतलब ये रोबोट इसलिए बनाया गया ताकि हम डिफरेंट सर्जरीज को इस रोबोट पर परफॉर्म करते हुए ये देख पाए कि उनसे क्या होता है, और इसलिए इस रोबोट से खून भी निकलता है। और ये रोबोट इस तरह से डिजाइन किया गया कि ये एक 5 साल के बच्चे के रिएक्शंस को कॉपी कर पाएगा अलग अलग सर्जरीज पर, जिससे ये पता चलेगा कि कौन सी सर्जरीज सेफ है। फैक्ट नंबर 23, क्या आपको पता है कि एक लूना मौत नाम की मौत होती है, और इसकी फोटो आप अपने सामने देख सकते हैं। तो इस लूना मौत के पास कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता और ये खाना भी नहीं खाती। आपको ये सुनने में अजीब लग रहा होगा कि आखिर अगर खाना नहीं खाती तो ये सर्वाइव कैसे करती है? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। और एक लूना मौत का लाइफ स्पैन सिर्फ 1 वीक के बराबर होता है, और 1 वीक के बाद ये मर जाती है, और इसी 1 वीक के अंदर अंदर ये लूना मौत रिप्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से इनकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट नहीं होती। फैक्ट नंबर 22, ये इमेज जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये किसी एनिमल की आई है। तो क्या आप गेस कर सकते हो कि ये किस एनिमल की आई होगी? तो ये है एक कैमल आई की क्लोजअप इमेज, है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 21, आज तक ह्यूमंस एक भी अफ्रीकन एलिफेंट डोमेस्टिकेट नहीं कर पाए। मतलब अफ्रीकन एलिफेंट्स को डोमेस्टिकेट करना इतना मुश्किल है कि आज तक एक भी अफ्रीकन एलिफेंट डोमेस्टिकेट नहीं किया गया। और जो भी एलिफेंट्स आप देखते होंगे जो कोई इंसान कंट्रोल करता है वो मोस्टली इंडियन एलिफेंट होता है। और वैसे तो किसी भी एलिफेंट को कम्प्लीटली डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एलिफेंट में उनके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स बचे रहते हैं जो वाइल्ड एलिफेंट्स में होते हैं। इसलिए कम्प्लीटली किसी भी एलिफेंट को डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता, और एलिफेंट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एनिमल्स टू डोमेस्टिकेट भी है। फैक्ट नंबर 20, आपने ये तो सुना होगा कि जापान में बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं, तो इससे बचने के लिए जापान बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। और इस टेक्नोलॉजी में जो घर होंगे वो ग्राउंड के ऊपर राइज करे हुए होंगे, मतलब ये घर डायरेक्टली जमीन के कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे, और इसी टेक्नोलॉजी से किसी भी घर को अर्थक्वेक से प्रोटेक्ट किया जा सकता है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो पानी में कैसे सोते हैं? मतलब एक्वेटिक एनिमल्स पानी के बीच में तैरते हैं, तो क्या वो पानी के बीच में ही सोते हैं या फिर जमीन पर? तो ये इमेज देखिए, इसमें आप कुछ वेल्स को देख सकते हैं सोते हुए। मतलब जब वेल सोती है तो ऐसे वर्टिकली पानी के बीच में सोते हैं। फैक्ट नंबर 8, हम सब कार देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वही कार कितने पार्ट से बनी होती है? तो एक बार आप ये गेस करने की कोशिश कीजिए। आपने गेस किया होगा कि कार को बनाने के लिए कुछ 500 या 1000 या 5000 पार्ट्स लगते होंगे, लेकिन असली में एक कार को बनाने के लिए ऑन एन एवरेज 30,000 डिफरेंट पार्ट्स लगते हैं। मतलब एक कार 30,000 अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर बनाई जाती है। फैक्ट नंबर 17, शायद आपको ये पता हो कि हम जो भी इमेजेस कैप्चर करते हैं वो बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस से बनी होती है, जिसको पिक्सल कहा जाता है। और ऐसे आपके फोन के कैमरा का भी कोई रेजोल्यूशन होगा, जैसे 40 मेगापिक्सल, मतलब 40 मिलियन पिक्सल। मतलब जो इमेज आपका फोन खींचेगा वो इमेज 40 मिलियन डिफरेंट बॉक्सेस को मिलाकर बनाई गई है। तो एक बार ये देखिए, ये एक स्पेस कैमरा है और इसकी रेजोल्यूशन 3.2 बिलियन पिक्सल है। और आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि ये कैमरा जो भी इमेज खींचेगा उसे देखने के लिए हमें 400 अल्ट्रा हाई डेफिनेशन 4K टीवी की जरूरत पड़ेगी। मतलब हमें 400 अल्ट्रा HD टीवी की जरूरत पड़ेगी सिर्फ एक इमेज को देखने के लिए जिसको इस स्पेस कैमरा से खींचा जाएगा, है ना शॉकिंग। फैक्ट नंबर 16, इस दुनिया के अब तक के वर्ल्ड लार्जेस्ट रैबिट का नाम डेरियस है, और ये 4 फीट और 4 इंच लंबा है, और उसका वेट 22.2 kgs है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इसके ओनर को हर साल $6,000 से ज्यादा पैसे इसको फीड करने में खर्चने पड़ते हैं। मतलब कुछ 5 लाख रुपए इसके ओनर को हर साल खर्च करना पड़ता है इस रैबिट को खाना खिलाने में। फैक्ट नंबर 50, क्या आपको पता है कि 1980 में CNN के फाउंडर ने एक ऐसी वीडियो बनाई थी जो वो तब ब्रॉडकास्ट करेंगे जब ये दुनिया खत्म होने वाली होगी। मतलब 1980 में जो उन्होंने वीडियो बनाई थी उसे वो तब पब्लिक करेंगे जब ये दुनिया खत्म होने वाली होगी।
तो आपको क्या लगता है उस वीडियो में ऐसा क्या होगा? फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि आज तक ह्यूमन जैसी 14 डिफरेंट स्पीशीज रह चुकी है, लेकिन 14 स्पीशीज में से 13 स्पीशीज कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गई थी, और जो बची हुई एक स्पीशी है उसे हम होमो सैपियंस बोलते हैं, और वो है हम। और कुछ साइंटिस्ट ये क्लेम करते हैं कि वो 13 स्पीशीज जो मर गई थी उनमें से कई स्पीशीज ऐसी थी जो होमो सैपियंस से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकती थी। फैक्ट नंबर 13, ये इमेज देखिए, इसमें आपको सब नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस इंसान ने अपने हाथ में जो चीज पकड़ी है वो है एक प्लूटोनियम कोर। मतलब नागासाकी में जो बॉम्ब फटा था उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये प्लूटोनियम कोर, और ये एक फिजिस्ट है। मतलब इस इंसान के हाथ में ये छोटी सी चीज जो आप देख रहे हैं वो 80,000 डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फैक्ट नंबर 12, मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अब तक का फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट नासा का पार्कर सोलर प्रोब है, और ये स्पेसक्राफ्ट सन के अराउंड चक्कर लगाता है, लेकिन रिसेंटली स्पेसक्राफ्ट ने सन की लेयर को छू लिया, मतलब ये सन के सरफेस पर पहुंच गया। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये सन के सरफेस पर पहुंच गया तब तो ये डिस्ट्रॉय हो गया होगा सन की हीट की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है। और इस स्पेसक्राफ्ट को इसी तरह डेवलप किया गया था कि ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पर भी खराब नहीं होगा, है ना अमेजिंग। और हो सकता है कि फ्यूचर में ये स्पेसक्राफ्ट सन की इनर लेयर तक भी पहुंच जाए। फैक्ट नंबर 11, ये वाला एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है, और एक हर्ब होता है रूहबार्ब नाम का, और इसको उगाने के लिए एक स्पेशल टेक्निक यूज की जाती है जिसका नाम फोर्सिंग होता है, और इस तरीके से ये प्लांट इतना तेज ग्रो करता है कि आप उस प्लांट के उगने को सुन भी सकते हो। मतलब ये हर्ब फोर्सिंग वाले मेथड से इतनी तेज ग्रो करता है कि उनके ग्रो करने के टाइम में आप उनको सुन भी सकते हो, है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 10, 1993 में कुछ इजिप्टोलॉजिस्ट, मतलब जो इजिप्ट में पिरामिड्स को चेक करते हैं, उन्होंने एक छोटा सा रोवर भेजा था ग्रेट पिरामिड के एक एयर शाफ्ट में, और थोड़ी देर बाद वो रोवर एक स्टोन डोर के सामने आ गया। मतलब इस डोर के आगे वो रोवर नहीं जा सकता था, और आज तक किसी को भी ये नहीं पता कि उस डोर के पीछे क्या है और वो डोर कहाँ जाता है ना मिस्टीरियस। आपको क्या लगता है पिरामिड के इस डोर के पीछे क्या होगा? फैक्ट नंबर 9, किंग सोलोमन नाम का एक किंग था, और वो इतना अमीर था कि अगर कोई भी एवरेज अमेरिकन सिर्फ $1 खर्चता है तो वो किंग सोलोमन के $10.5 million खर्चने के बराबर होगा। मतलब किंग सोलोमन के पास एक एवरेज अमेरिकन से कुछ 10.5 मिलियन टाइम ज्यादा पैसे थे। फैक्ट नंबर 8, ये इमेज देखिए, इसमें आप एक गोल्डन टाइगर देख सकते हैं जिसका वेट 160 kg है, और उसके सामने आप एक बच्ची भी देख सकते हैं। इसे देखकर आप ये समझ ही सकते हैं कि एक गोल्डन टाइगर का साइज कितना बड़ा होता है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 7, एक नेशनल पार्क ने 6 अलग अलग डिफरेंट वुल्फ पैक्स को, मतलब 6 वुल्फ के ग्रुप्स को GPS की हेल्प से ट्रैक करने की कोशिश की उनकी मूवमेंट चेक करने के लिए। तो ये देखिए, ये है वो 6 डिफरेंट वुल्फ पैक्स का मूवमेंट, और इसे देखकर आप ये ऑब्जर्व कर ही सकते हैं कि एक वुल्फ पैक एक दूसरे से दूर ही रहते हैं और वो ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करते, और वुल्फ पैक्स अपनी टेरिटरी बनाकर उसी के अंदर रहते हैं। फैक्ट नंबर 6, एक कैनेडियन माइन में रिसेंटली वाटर का सैंपल मिला था। लेकिन आप कहोगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, आखिर वाटर ही तो है। लेकिन ये वाटर वर्ल्ड का ओल्डेस्ट वाटर फाउंड है, और इस वाटर के सैंपल का एज 1.6 मिलियन ईयर्स है। फैक्ट नंबर 5, पूरे साल में शार्क 10 इंसानों को मारती है, मतलब हर साल 10 इंसान शार्क की वजह से मर जाते हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि हर साल 150 लोग कोकोनट से ही मर जाते हैं। मतलब कोकोनट से मोस्टली जो डेथ्स होती है वो तब होती है अगर किसी पर कोकोनट ट्री से कोई कोकोनट गिर जाए तो, लेकिन पूरे साल में 150 लोग कोकोनट्स की वजह से ही मर जाते हैं। मतलब शार्क से 15 गुना ज्यादा डेथ्स कोकोनट कॉज करते हैं। फैक्ट नंबर 4, एक रूबी रोबन नाम के ग्रेप्स होते हैं, और पहली बार इन ग्रेप्स को 2008 में बेचा गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि जब इन्हें पहली बार बेचा गया था तब इनकी प्राइस कितनी थी? तो जब इन्हें पहली बार बेचा गया था तो एक ग्रेप की कॉस्ट $26 थी। मतलब सिर्फ एक ग्रेप के टुकड़े की कॉस्ट कुछ 2000 रुपए के बराबर थी, है ना शॉकिंग। फैक्ट नंबर 3, ये इमेज देखिए, ये कोई एडिटेड इमेज नहीं है बल्कि एक ग्लास है, और एक आर्टिस्ट है जो ग्लास पेन्स को हैमर की हेल्प से उस पर क्रैक डालकर ऐसे आर्ट्स बनाता है ना अमेजिंग। इसे बनाने में बहुत पेशेंस और टाइम लगता है क्योंकि हैमर से बहुत धीरे धीरे ग्लास पर क्रैक्स डालने होते हैं, नहीं तो पूरा ग्लास टूट सकता है। फैक्ट नंबर 2, इस दुनिया में सबसे लॉन्गेस्ट रोड कौन सी है? मतलब कई कंट्रीज के बीच में ओशंस आ जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में कंटिन्यूस सबसे लंबी रोड कौन सी है? तो इस ग्लोब को देखिए, यहाँ पर आप एक ब्लू लाइन जो देख रहे हैं वो ही है इस दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रोड, और इसकी लेंथ 22,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। मतलब एक तरह से ये लॉन्गेस्ट रोड है जिस पर आप चलकर कहीं भी जा सकते हो, क्योंकि इसके बीच में कोई भी ओशन नहीं आएगा।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप 22,000 किलोमीटर चलना पसंद करोगे। फैक्ट नंबर वन, इस फैक्ट में मैं आपको एक ऐसा रेयर डिजीज के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना। तो एक ऐसी टीनेजर है जो एक ब्रेन इंजरी से सफर करती है जिसकी वजह से उसकी जो मेमोरी है वो हर 2 घंटे बाद रीस्टार्ट हो जाती है। मतलब जैसे ही उसकी मेमोरी रीस्टार्ट हुई और 2 घंटे का टाइम बीतने के बाद उसकी मेमोरी वापस रीस्टार्ट हो जाएगी, मतलब उसे लगेगा कि टाइम कभी बीता ही नहीं। और हर दिन जब वो सुबह उठती है उसे ये लगता है कि वो डे जुलाई 11th है। तो गाइस यही थे आज के सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को देखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।